पहली मैरिट में जाएगा टाइम ही ना 80 लाख, 80 लाख का टाइम ही ना हो रहा, 80 लाख पहली मैरिट में नंबर जाएगा, दूसरी में बाहर हो जाएगा, क्या फायदा उसका? करके तो 80 के घंटे 100 भी आ रहे हैं। पूर्ण भूतकाल पूछा, उसमें एक वाक्य दे रखा कि इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में लिखो, मतलब जैसे कर रहे हैं ना तो उसको पूर्ण भूतकाल में लिखो। इस वाक्य करवाने क्वेश्चन है ना, वो टाइम टेकिंग है, उसमें स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे के लिए, तो नीचे देखने में भी टाइम की दिक्कत होती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो भैया अभी जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूटा है 13 तारीख का, तो भैया मिले हैं इनसे, जानते हैं कैसा एग्जाम लेवल था, तो भैया कुछ बताओ पेपर के बारे में, कैसा पेपर था? एग्जाम ऐसा आसान था, हिंदी बहुत ही थी, पर हिंदी में एक दो क्वेश्चन सिलेबस से आउट थे, एक तो था एक वाक्य दिया था उसे, उस वाक्य को बहुत काल में बनाना था, उस सिलेबस में तो है नहीं शायद, मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी पहली बार आया था। एक जीएस का क्वेश्चन था कि गोपालगंज बिहार की कोई सीट है विधानसभा की, उससे विधानसभा सदस्य कौन चुने गए, मैं तो जीता, 3 क्वेश्चन उसके थे एडवांस के, वो कि मेंसुरेशन के, और बाकी हिंदी सबसे ईजी है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे, कैलकुल जो फिगर वाले क्वेश्चन है ना वो टाइम टेकिंग है, उसमें स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे के लिए, तो नीचे देखने में फिर टाइम की दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। और बाकी जीएस भी आसान है, जीएस का एक क्वेश्चन था कि शहर के वाटर को मेंटेन करने के लिए कौन सी योजना बनाई है सरकार ने, और एक था वो कि 2020 वाले जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा वो पदक जीता था, मतलब पहली महिला बनी है वो। तो कुछ साइंस में था कोई क्वेश्चन याद? नहीं साइंस का क्वेश्चन ही नहीं था, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसके थे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे, दो साइंस का तो क्वेश्चन ही नहीं, हाँ एक था क्वेश्चन साइंस का था, उसमें दिया था कि न्यूक्लियस से और जो आउटर सेल होती है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन भी दिए थे, ये क्वेश्चन था साइंस से, एक ही क्वेश्चन था। कैसे पिछली जो शिफ्ट गई उनमें पंचवर्षीय योजना और जनसंख्या के क्वेश्चन थे, उनमें जनसंख्या क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, और पंचवर्षीय योजना नहीं, नहीं पंचवर्षीय योजना का नहीं था, और वो इंटरनेशनल लेवल का कोई युद्ध अभ्यास वगैरह नहीं, युद्ध अभ्यास नहीं पूछा, हाँ एक संविधान पूछा था कि किस देश का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान वो पूछा था, हिस्ट्री से, हाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन, हिस्ट्री से नहीं था, पॉलिटी से पूछा था कि राज्य की राज्य सरकार किस आर्टिकल के तहत कार्य करती है, आर्टिकल का क्वेश्चन था, उसमें आर्टिकल थे, आर्टिकल ऑप्शन भी मुझे याद है 166 178 और 366, ये आर्टिकल थे उसमें ऑप्शन भी जो दिए थे। तो इजी क्वेश्चन कौन सा लगा? इजी तो सारे ही थे, कोई आर्ट नहीं है, बस मैथ का एक क्वेश्चन मुझे गलत मतलब लग मुझे गलत लगा, बाकी पता नहीं उसके ऑप्शन मुझे गलत लगे, क्वेश्चन इजी था सॉल्व हो रहा है आसानी से, और ऑप्शन में वो आंसर था ही नहीं जो सॉल्व होकर आ रहा है, वो उसके ऑप्शन ही मुझे गलत लगे, और बच्चे बता रहे कि ऑप्शन गलत थे उसके। तो आपने इससे पहले भी दिया है जी डी का पेपर या फर्स्ट टाइम ही था? नहीं जी डी फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम बाकी एग्जाम थे मेरा। चलो धन्यवाद भैया, पेपर आया कुछ बताओ? पेपर सही आया भाई। अच्छा कोई पोर्शन याद, जो क्वेश्चन याद हो कोई? मैथ में पूछा प्रॉफिट लॉस आया, और रीजनिंग में 2 सिटिंग अरेंजमेंट के है सर्कल वाले, 6-6 बैठाने हैं उसमें, उसमें 2 पॉलिटी के भी है, एक लंबे संविधान पूछा, एक जनसंख्या का घनत्व पूछा, आसान है पेपर कुल मिला के। हिंदी में मतलब हिंदी में गुरु का वो पूछा पर्यायवाची, जो मतलब बड़ा हो गया गुरु बड़ा भारी भा, उसमें ऐसा करके उसमें दे रखा पूरा, उसमें मतलब लिख के गुरु के जी का क्या आएगा उसमें लिख के, मतलब पूरा वो लिख रखा। अच्छा विलोम शब्द वगैरह से कोई क्वेश्चन था? विलोम भी हाँ, विलोम भी याद ना यार किस चीज़ का, शुद्धि अशुद्धि भी, संज्ञा से, संज्ञा नहीं वैसा हाँ, मतलब पूर्ण भूतकाल पूछा, उसमें एक वाक्य दे रखा कि इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में लिखो, मतलब जैसे कर रहे हैं ना तो उसको पूर्ण भूतकाल में लिखो, इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल क्या होगा? तो रोज़ कन्वर्ट करना था। आ जाओ भैया आ जाओ, क्वेश्चन बताओ कुछ। कराके मैं डायलॉग वायलॉग मार दूंगा यहां, कोई बात नहीं, मैं कुछ ही कह दूंगा, अरे मैं कुछ ही कह दूंगा, वैसे ही हूं। कुछ कैसे क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन ठीक रहे क्या? मतलब कितने टाइम करे तुमने टोटल? भाई मेरे क्वेश्चन कुल 40 हुए। 40 कम नहीं हुए कुछ? हां कम हुए भाई, कम हुए। तो 40 जो थे ये सारे सही है या कुछ इनमें भी गड़बड़ हो सके? उन्हें भी गड़बड़ हो सके, एक दो नंबर। तो कुछ याद हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं फिलहाल तो कुछ याद नहीं है इतना। जीएस में? जीएस में थोड़ी टफ लगी भाई। अच्छा करंट से? करंट इतना 3-4 क्वेश्चन कुल थे करंट के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मेंसुरेशन से बताओ 3D के कैसे क्वेश्चन? नहीं मेंसुरेशन ठीक था, मतलब 3D में क्या पूछा गया इसमें? तो यही था कि भाई
कोई बात नहीं भाई, ठीक है। बताओ कुछ पेपर के बारे में। पेपर तो बढ़िया भैया, बीडीएम आया बिल्कुल बढ़िया पेपर, जो जिन्हें 6 महीने कोचिंग लगाकर कर ली पेपर क्लियर। अच्छा, तो आपने तैयारी करी थी? हाँ तैयारी करी है मैंने। कितने क्वेश्चन हो गए आपने? 70 करके आया हूँ मैं। 70? हाँ। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ बताओ कोई क्वेश्चन। एक तो मीरा भाई चानू आया 2022 में। अच्छा, मैथ में चक्रवर्ती ब्याज है एडवांस के 3 है, बैलेंस शंकु 2 चक्रवर्ती ब्याज, एक समानुपात अनुपात, एक सरलीकरण। नाव धारा से? एक अनाप धारा से। नाव धारा से था। और ट्रेन से? 2 है। हाँ, ज्योग्राफी से बताओ कोई क्वेश्चन। ज्योग्राफी में पढ़ता ही ना भैया, मुझे ना पता ज्योग्राफी, याद नहीं। एक से संविधान से? संविधान से 2 क्वेश्चन है। कौन से थे कोई बताओ? एक तो आर्टिकल है राष्ट्रपति का। अच्छा, अरे का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी सभा पे हस्ताक्षर करे? ओवरऑल कैसा पेपर का लगा? ऊपर बढ़िया करने वाला लोंडा, बढ़िया करने वाला। 80 के 80 करे जा सके? 80 तो किसी पे ना हो, नहीं ना। अरे करके आ रहे लोग बाग, कौन कर रहा? तेरे कर रहा निकल जाएगा पहली मैरिड में, पहली मैरिड में जाएगा। टाइम ही ना 80 लाख, 80 लाख तो टाइम ही ना हो रहा। 80 लाख पहली मैरिड में नंबर जाएगा, दूसरी में बाहर हो जाएगा, क्या फायदा उसका? बहुत से बच्चे करके तो 80 के लोंडे 100 भी आ रहे हैं। बराबर वाले 90 बता रहा, 90 करे मैंने के साथ साथ तुम्हारा कैलकुलेशन होनी चाहिए बढ़िया। तो टाइम की कोई प्रॉब्लम है? टाइम की प्रॉब्लम सही है, बिल्कुल टाइम सही है। आपके कुछ याद है भैया? आओ बताओ। बढ़िया। हाँ भैया बताओ कोई क्वेश्चन याद भाई। हिंदी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अच्छा ठीक है, बाकी सेम हिंदी 2-3 क्वेश्चनों का बदलाव हुआ जो कि पिछली बार नहीं था। अच्छा ठीक है, बाकी सब पुराना ही है और सब चीज़ें इजी टू मीडियम आ रही भैया। ठीक, उसमें क्या रीजनिंग भी ठीक ठाक आ रही है, बस 3-4 क्वेश्चन आ रहा है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बल्कि 3-2 का क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है सीटिंग, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट वाले आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इजी आ रहा है तो एक हार्ड आ रहा है, 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं रीजनिंग। हाँ, तो जब रीजनिंग के जैसे पोर्शन स्टार्ट होता है वो शुरू में ही हार्ड दे देते हैं या लास्ट में हार्ड दे रहे? भैया शुरू में मेरी में थोड़ा सा वो हार्ड दिया था, ये था समुच्चय वाला। हाँ समुच्चय वाला दिया था, बाकी उसके बाद थोड़ा इजी चल गया था, लास्ट में बीच में 1-2 सीटिंग वाले आए थे, एक हल्का था एक भारी था। और भैया जीएस में मीरा भाई चानू आया था, 2021 का क्वेश्चन आया था, करंट में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, और एक हाँ राजेंद्र प्रसाद वाला आया था जीएस में कि उन्होंने 1949 में क्या प्रावधान रखा था आज़ादी के बाद का, और जीएस में आया था अमेंडमेंट वगैरह है। हाँ संशोधन नहीं आया था, संशोधन नहीं आया था भैया, आर्टिकल आया था। तो नृत्य पूछा गया कोई है? नृत्य तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया कि कौन मतलब इस नृत्य से कौन संबंधित है। हाँ व्यक्ति ऐसा करके पूछा गया। हाँ कि उसने कौन से नृत्य में अपनी पहचान बनाई, ऐसा करके बताया। किस राज्य का नृत्य पूछा गया था कलाकार? वो यार कन्फर्म नहीं होता क्योंकि उसमें आदमी पूछा था कि वो किससे संबंधित है, ऐसा करके पूछा था। तो अगर जानना चाहे कि भाई पूरा पेपर ही इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नॉर्मल कितने क्वेश्चन है जो कर सकते हैं आदमी? नॉर्मल भाई नॉर्मल क्वेश्चन अगर बताऊं तो 60 तक बंदा पहुंच सकता है, जिस हिसाब से 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, मतलब अच्छा जो पढ़ने वाला तो वो 70 भी प्लस कर देगा भाई, लेकिन जो मीडियम बच्चा है ना वो 60 प्लस आराम से कर लेगा, ऐसा पेपर आ जाएगा। तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ टाइम की दिक्कत हो रही भाई, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी टाइम की दिक्कत हो रही। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। भाई ये देखा आपने सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो 23 तारीख में था, और अब जो थर्ड शिफ्ट छूटेगी हम उसका एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे। तो यार लोग बाग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर ले करो, अब तो गर्मी भी होने लगी, सर्दी भी भाग गया और फिर भी जर्सी में बैठा आपके लिए, तो यार चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद भाई।